मित्रों, मैं बहुत ही हर्ष के साथ हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और 16 मई के बाद देश के होने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं, कृपया आए और हमें संबोधित करें। मंचस्थ सभी आदरणीय महानुभाव, मैं डॉक्टर जोशी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने, उनकी टीम ने देश की आशा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब इस मैनिफेस्टो में व्यक्त किया है। हमारे लिए ये मैनिफेस्टो न ही एक चुनावी रिचुअल है और न ही यह कागजी दस्तावेज है, यह हमारी दिशा है, यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारी प्रतिबद्धता है। अगर दो शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, दो मूल बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, एक गुड गवर्नेंस, दूसरा डेवलपमेंट, सुशासन एवं विकास। और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास सर्वसमावेशक हो, विकास सर्वस्पर्शी हो, विकास सार्वदेशिक हो, विकास सर्वप्रिय हो। उसी प्रकार से जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस, सरकार वो होनी चाहिए जो गरीब के लिए सोचे, गरीब का सुने, दलित पीड़ित शोषित वंचित उनके लिए सरकार ही एकमात्र सहारा होती है। अगर वो उसको बच्चों को पढ़ाना चाहता है, ये सरकार का दायित्व बनता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए मां बाप अगर बीमार हैं तो सरकार का दायित्व है कि उन बूढ़े मां बाप को अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। और इसलिए शासन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है अंत्योदय की कल्पना का, उस अंत्योदय की कल्पना को लेकर के चलना, देश के लिए चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे बाहरी खतरों का मामला हो, भारत सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो, इस पर हम प्रतिबद्ध हैं। जीरो टॉलरेंस के साथ इस विषय में देश को आगे बढ़ना होगा। दिल्ली में मजबूत सरकार हो ताकि दुनिया हमें आंख दिखाए नहीं लेकिन हमसे आंख मिलाने का उसको मन कर जाए, और हम भी दुनिया को आंख दिखाए नहीं, हम भी सर ऊंचा करके, सीना तान करके, गौरव के साथ दुनिया के साथ आंख मिला सके। ऐसी समर्थ व्यवस्था, ऐसी समर्थ सरकार ये देश की आवश्यकता है। इस मैनिफेस्टो के हर पहलू को अगर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रूप में देखें तो मुझे विश्वास है कि आज देश जो गड्ढे में गिरा है उसको बाहर लाने की उसमें ताकत है, देश रुका पड़ा है उसको गति देने की ताकत है, देश निराशा में डूबा हुआ है उसमें आशा का संचार करने का सामर्थ्य है। देश के हर 125 करोड़ देशवासी उनके सपनों को सुनिश्चित करने का प्रयास इस मैनिफेस्टो में देखा जा सकता है। देश के 125 करोड़ नागरिक इस मैनिफेस्टो के गुलदस्ते में अपनी आवश्यकताओं की महक अनुभव कर सकते हैं, और आने वाले 60 महीने में जब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर देगी, मुझे विश्वास है कि इस मैनिफेस्टो के भरोसे
उस मार्गदर्शक सिद्धांतों के भरोसे देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में हम कोई पीछे नहीं रहेंगे, हम परिपूर्ण कर रहेंगे। और हमारा विश्वास है कि इसी मार्ग से, इसी सपने से, इसी कार्य संस्कृति से, इसी वर्क कल्चर से हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। हमारा लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा रास्ता है सबका साथ सबका विकास। इस कार्य संस्कृति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है तो आज मैं इस बात को भी देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं। व्यक्ति के रूप में मुझे जो दायित्व देश की जनता देगी उसको पूरा करने में, परिश्रम करने में मैं कभी भी कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं देश के सामने कहना चाहता हूं मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा। ये विश्वास देता हूं और मुझे विश्वास है देश की जनता जिस भरोसे की तलाश में है उस भरोसे को देने का सामर्थ्य भारतीय जनता पार्टी के लक्षावधि कार्यकर्ताओं में है, भारतीय जनता पार्टी की इस सामूहिक नेतृत्व में है, भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो के दस्तावेज में है और भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार में है। और उसका मूल कारण है हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके नेतृत्व में एनडीए का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो विश्वास पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। मैं फिर एक बार पार्टी के नेतृत्व का आभारी हूं। श्रीमान जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।